गाइस, दिस इज अंकिता पंडवाल एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्रिया शरीर दैट इज फिजियो। सो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसमें बेसिक इंट्रो दूंगी क्रिया शरीर के बारे में, उसमें स्टार्टिंग में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयुर्वेदा। मैंने पहले भी आपको स्टांग में थोड़ा सा बताया था, फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए। आयु, आयु का मतलब होता है लाइफ, मतलब जो लाइफ स्पैन होता है टिल बर्थ टू टिल डेथ, ओके। एंड वेदा का मतलब नॉलेज। आयुर्वेदा ना कि सिर्फ एक मेडिकल साइंस है, बट ये साइंस ऑफ लाइफ है, जिसमें हम लोगों को लिविंग बॉडी के बारे में पूरी स्टेटस, उसकी लिविंग बॉडी के बारे में पूरा नॉलेज एंड लाइफ स्पैन का मेजरमेंट हम लोग आयुर्वेदा में देखते हैं। सो उसका भी डेफिनेशन इसमें दिया गया है संहिता में आयुर्वेद का। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसका जो रेफरेंस है कहाँ से आया है, चरक सूत्र स्थान एकवाध्याय 40वां श्लोक, ठीक है। तो इसमें बताया क्या गया है, आयु जो होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हितकर अहितकर सुखकर दुखकर। तो हितकर क्या, हितकर जो होते हैं वो बेनिफिशियल, मींस जो हमारे आयु बढ़ाने में बेनिफिट करे हमारे लाइफ में। सो हितकर आयु किस किस की होती है, जो दूसरे की वेल विशर्स होते हैं, मतलब जो दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचते, ट्रूथफुल होते, जो सच बोलते, जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते, जिनके पास फुल कंट्रोल होता है पैशन का, एंगर को कंट्रोल करने का, इनवी जेलस का और प्राइड का। फिर जो चैरिटी वगैरह भी जो करते हैं, जिनके पास फुल नॉलेज होती है स्पिरिचुअल पावर की, मतलब धार्मिक की। उसके बाद फिर क्या है, जो कोई भी थिंग करने के पहले या फिर किसी पे भी एक्ट करने के पहले वो एग्जामिन करते हैं वो एक्चुअल में है क्या, एंड वो जो दूसरे की वेल्थ को, मतलब दूसरे की वेल्थ को नहीं चाहते, हु डू नॉट एस्पायर फॉर वेल्थ ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की इनकम को नहीं चाहते कि वो उनके पास इतना पैसा कि वो हमारे पास भी हो, ओके। फिर देखेंगे हम लोग अहितकर आयु। इसमें क्या, मतलब वो जो पर्सन होता है जिसके पास अहितकर आयु होती है वो सेल्फिश होता है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, मतलब लिव ओनली फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, जिसकी मेंटेलिटी बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, एंड वो हितकर आयु का जस्ट अपोजिट होता है। अब आता है सुखकर आयु, ये प्लीजरेबल, मतलब जो हमारे लाइफ को वो प्लेजर देता है। कैसे, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब क्या क्या करता है हमारी बॉडी पे। पहला, वो हमें हैप्पीनेस देता है, ये जो सुखकर आयु है। फिर नॉट एफ्लिक्टेड विथ फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, मतलब उसे कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ना तो फिजिकली एंड ना ही मेंटली, वो मतलब हेल्दी होना चाहिए ओवरऑल। फिर इंजॉयमेंट के लिए उसके पास बहुत सारे लग्जरियस आर्टिकल्स होने चाहिए, लाइक मैं इसमें एग्जाम्पल अभी लेती हूँ एसी का। एसी ऑफकोर्स हम लोगों को वो बहुत इंजॉयमेंट देता है कंपेयर विद टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर लो होने पर हमें अच्छी फील होती है इन समर, बट वो हमारे बॉडी के लिए एसी उतनी अच्छी नहीं होती है। वैसे ही हम लोग मोबाइल का देख सकते हैं, पहले जब मोबाइल, आई नो बट बहुत उसकी बेनिफिट्स है, बट फिर भी अभी हमें मोबाइल की वजह से बहुत सारे नंबर्स याद नहीं होते, हमारी मेमोरी पावर एज कम्पेयर टू पहले के कम हो गई है, बट पहले जब फ़ोन नहीं था तो हमें सारे नंबर्स याद होते थे। उसी तरह इन्जॉयमेंट हमें प्रोवाइड करते बहुत सारे आर्टिकल्स। फिर क्या है, हु अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट, मतलब वो जो चाहते वो पा सकते हैं, वो सब प्लीजरेबल आयु में आता है। फिर उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक भी स्वस्थ होने चाहिए, मतलब शरीर स्वस्थ एंड मानस स्वस्थ। उसके बाद वो ब्लेस होने चाहिए यूथ से, इंथुजियाज्म उसमें बहुत होनी चाहिए, एंड उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत होनी चाहिए, मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत ही एक्टिव इंसान वो होना चाहिए। ये सब क्या, सुखकर आयु में आता है। अब ये दुखकर आयु क्या है, अनप्लीजरेबल, जो हमें वो सुख नहीं देता। इसमें हम लोग ले सकते इल हेल्थ, मतलब हेल्थ का पुअर कंडीशन, वो स्वस्थ नहीं होता वो सब। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, अब एग्जाम्पल लिया है क्या मैंने, स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या है, स्मोकिंग हम लोगों को थोड़े समय के लिए प्लेजरेबल होता है, हमारे लिए सुखकर में आता है वो, बट कुछ समय के लिए, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म ये बेनिफिशियल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, अहितकर होता है। एंड एक और मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है इसमें, कि सुबह सुबह बेड से उठना, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना स्टार्टिंग के टाइम पे अनप्लीजरेबल हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, मतलब दुखकर हो सकता है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म ये बेनिफिशियल होता है, मतलब हितकर होता है। तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि वैसा हैबिट
जो पर्सन को हैप्पी करता है जरूरी नहीं है कि वो गुड हैबिट हो, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंडीशन में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आयु, मतलब आयुर्वेद तो मैंने बताया दो टर्म से बना हुआ है आयुर्वेद, तो आयु को मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है क्या, आयु, आयु का मतलब क्या, वैसा स्पैन ऑफ लाइफ फ्रॉम जायगोट फॉर्मेशन टू डेथ जिसके अंदर सोल रिसाइड होता है, मतलब आत्मा रिसाइड होता है बॉडी के अंदर। एंड सेकेंड क्या है डेफिनेशन, स्पैन ऑफ लाइफ इज आयु। अब हम लोग देखेंगे आयु का सिनोनियम्स। ओके, तो आयु का सिनोनियम्स क्या है, इसमें एक दिया गया है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। ये श्लोक कहाँ से है, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय 42 नंबर का ये श्लोक है। इसमें कुछ सिनोनियम्स बताए गए आयु के, मतलब पर्यायवाची या पर्याय, धारी जीवितम नित्य और अनुबंध। धारी, धारी मतलब क्या होता है, हम लोग ले सकते एग्जांपल जैसे कि डेड बॉडी जो होता है वो डिके करेगा क्योंकि उसको उस बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही जिससे कि सेल रिस्पायर करे, तो सेल धीरे धीरे डिके होने लगता है, लेकिन लिविंग बॉडी हेल्दी कंडीशन में डिके नहीं होता। उसी तरह दूसरा क्या है पर्याय, जीवितम, जीवितम मतलब जो प्राण होता है उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, डेट इज सोल, मतलब उस वो बॉडी को लिविंग लिव मतलब लाइफ प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है उस बॉडी को। अब है नित्य, नित्य मतलब लाइफ कभी स्टॉप नहीं होता, टाइम जैसे जैसे चलता है वैसे ही नित्य लाइफ चलते रहता है तब तक डेथ नहीं आ जाए। अनुबंध, अनुबंध मतलब बॉडी एग्जिबिट साइकोसोमैटिक इंटर रिलेशनशिप, डैट इज जो बॉडी है वो रिलेटेड होगा, मतलब बॉडी के अंदर साइको डैट इज माइंड एंड सोमैटो मतलब जो नॉर्मल जो फिजिकल कैरेक्टर मतलब बॉडी जो होती है वो सब उससे रिलेटेड होगा उसके अंदर, मतलब जो रिलेटेड होगा माइंड एंड बॉडी से, कौन, आयु। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या आयु का ओवरऑल क्या है, क्या दिया है, आयु को होता क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग होता है, शरीर मतलब बॉडी, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गेन, सत्व मतलब माइंड या फिर मानस एंड आत्मा मतलब सोल, इन सब से मिलके आयु बना होता। अब हम लोगों ने देखा पहले क्या आयुर्वेदा क्या है, इसका डेफिनेशन, वो किन किन वर्ड से बना हुआ है, अब हम लोग देखेंगे आयुर्वेदा का एम क्या है। ठीक है, मतलब उसका मेन एम, इसमें एक श्लोक दिया हुआ है क्या, प्रायोजनम चास्य आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन चा। मैं इसका कुछ टर्म का मीनिंग बताती हूँ, प्रायोजनम मतलब होता है एम, लक्ष्य, स्वस्थस्य मतलब हेल्दी पर्सन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षणम, रक्षणम मतलब मेंटेनेंस एंड स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, मतलब मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, आतुर, आतुर का मतलब होता है पेशेंट, विकार डिजीज एंड प्रशमन मतलब क्योर, मतलब जो एम है आयुर्वेदा का क्या है, सबसे पहला हेल्दी पर्सन जो होते हैं उसके हेल्थ को मेंटेन रखना, ठीक है, एंड सेकंड क्या है जो सिक पर्सन है उनको क्योर करना। ओके, फिर जो आयुर्वेदा है वो मोर इम्फेसिस देता है किस पे, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे, मतलब कि हम लोग कोई भी डिजीज का पहले प्रिवेंशन कैसे करें कि हमें वो डिजीज फाइनल में वो हो ही नहीं। ओके, अब हम देखेंगे शरीर। ठीक है, शरीर का मतलब होता है लिविंग बॉडी या फिर वैसा इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन बॉडी के बारे में होती है, इसके बहुत सारे डिफिनेशन है, बहुत सारी रेफरेंस संहिता में दी गई है, मैं कुछ कुछ आपको बताती हूँ। फर्स्टली क्या है, शरीर इज दैट विच कंटिन्यूअसली डिटोरिएटेड, मतलब वो कम होते रहते हैं, मतलब उसकी डिके नहीं बोलेंगे बट बोलेंगे डिटोरिएटेड, मतलब वो कम हो रहता है जब तक उसे नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं मिल सके, जब तक उसे नरिशमेंट नहीं मिलती तब तक वो डिटोरिएट करता है। सेकेंड, शरीर जो रिस्पायर करता है, रिस्पायरेशन करता है, मेटाबोलाइज करता है एंड बहुत सारी एनर्जी यूज करता है, कैसे, वर्क करके, एंड वो एनर्जी आती कहाँ से, जब वो ईटन फूड, मतलब जब वो फूड खाता है। ओके, अब क्या है गर्भोपनिषद, मतलब गर्भोपनिषद, इसके अकॉर्डिंग जो शरीर इज समथिंग जिसमें तीन तरह की अग्नि प्रेजेंट होती है, वो तीन तरह की अग्नि कौन है, कोष्ठ अग्नि, दर्शन अग्नि, ज्ञान अग्नि। कोष्ठ अग्नि वैसा अग्नि जो फूड ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दर्शन अग्नि जो साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ज्ञान अग्नि गुड एंड बैड परसेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो अग्नि ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब कामों के लिए जो मैंने अभी आपको बताया। चौथा क्या है कैटाबॉलिक एस्पेक्ट से देखेंगे, मतलब शरीर जिसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। एनाबॉलिक एस्पेक्ट से देखेंगे तो जो विच डेवलप, जो डेवलप भी करेगा, नरिशमेंट लेता है वो फूड से एंड वो ग्रो करता है। ओके, मेटाबॉलिक एस्पेक्ट से मतलब जिसमें कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों होती है एंड वो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, मतलब उसको नरिशमेंट मिलती है किससे, फूड से। ओके, अब रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से देखेंगे, वन हु एक्सपैंड फैमिली, मतलब जो
अपने फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग तनु भी बोलते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कुल को बढ़ाना। अभी हमने जितना भी पहले का डिफिनेशन पढ़ा सब में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, मतलब किसी में किसी डेफिनेशन में कैटाबॉलिज्म एक्सप्लेन किया तो किसी में एनाबॉलिज्म। ओके, सो अब बताया क्या गया, कुछ आयुर्वेदिक कंपेंडिया के हिसाब से शरीर का कुछ डेफिनेशन दिया गया, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या। सो तीन तरह का बताया गया, एक तो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, एक एनाटॉमी एंड फिजियो के हिसाब से, एंड एक तीसरा फिजियो के सिर्फ फिजियो के हिसाब से। तो जो एनाटॉमी के हिसाब से जो है उसको हम लोग बोलते हैं रचना प्रतिपादिक व्याख्या, जो एनाटॉमी एंड फिजियो दोनों के बेसिस पे उसको बोलेंगे रचना क्रिया प्रतिपादिक व्याख्या, एंड जो सिर्फ फिजियो के हिसाब से उसको बोलेंगे क्रिया प्रतिपादिक व्याख्या। ओके, एनाटॉमी के हिसाब से इसमें स्टार्ट किससे किया गया, यूनिसेलुलर जायगोट से। तो क्या होता है, इसमें स्पर्म और ओवम का यूनियन होता है, एंड उसके साथ सोल का भी यूनियन होगा। जब तक कुल का यूनियन नहीं होगा तब तक गर्भ नहीं बनेगा। ये जो गर्भ होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस, इसका प्रोडक्ट होता है। फिर एनाटॉमी के में ही कुछ वर्ड्स दिए गए, टर्म दिए गए। फर्स्ट देह, देह को भी शरीर बोलते हैं। आकृति मतलब जो लिविंग बॉडी का जो एक्सटर्नल फीचर्स होता है जो हम लोग देखते हैं वो आकृति, वो भी शरीर को ही बोला गया। फिर है षडंग, षडंग मतलब बॉडी को छह मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको षडंग बोलते हैं। ओके, अब देखेंगे एन और फिजियो के हिसाब से, इसमें भी वही सेम पहले जैसा स्पर्म एंड ओवम का यूनियन होता है, उसके साथ सोल भी मर्ज करता है जायगोट के साथ, फिर क्या बनता है गर्भ। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है, गर्भ तभी बनेगा जब तक जब उसमें सोल का मर्ज होगा। जब तक सोल का मर्ज नहीं होगा तब तक हम उसे गर्भ नहीं बोलेंगे। फिर इस गर्भ में सेल डिवीजन एंड सेल मल्टीप्लीकेशन होती है, एंड इसके बाद इस गर्भ में जो पांच महाभूत है वो क्या हम लोग आगे देखेंगे, वो हेल्प करता है उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो पांच महाभूत होती है वायु तेज आप पृथ्वी आकाश, जो हम लोग आगे उसकी पूरी डिटेल देखेंगे। सो फर्स्ट में क्या है, वायु मतलब वायु क्या करता है, वायु जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा एंड मल्टीप्लीकेशन में भी हेल्प करेगा। तेज, तेज क्या करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एंड वो जो डिफरेंशिएशन सेल है मतलब जो सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं उसको और फर्दर एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। आप क्या करेगा, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन करेगा वो, जैसे कि प्रोटीन बनाना वो सब एनाबॉलिक रिएक्शन आप करता है। पृथ्वी क्या करता है, वो शेप प्रोवाइड करता है और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जैसे हम लोग देख सकते हैं बॉडी को एक शेप होती है वो प्रोवाइड कौन करता है, पृथ्वी। फिर आकाश क्या करता है, इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन करता है, और भी जितने स्पेस होते हैं सबका फॉर्मेशन करता है आकाश। उसके बाद ये सब जो पांचों महाभूत हेल्प करेगा डेवलपमेंट में, तो उसके बाद बनता है क्या, एम्ब्रियो, फिर फिटस, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होकर ऑर्गन्स बनते हैं जैसे कि हैंड फिट टंग ईयर, एंड उसके बाद ओवरऑल बॉडी बनती है। अब हम लोग देखेंगे फिजियो के हिसाब से, क्रिया प्रतिपादिक व्याख्या के हिसाब से देखेंगे क्या, इसमें जो फिजियो के हिसाब से शरीर को क्या बोलते हैं हम लोग, कि दोष धातु मल ये तीनों कंबाइन करके शरीर बनाता है। फिर शरीर वैसा जो डिटोरिएट करता है, फिर जो वो नरिशमेंट भी करता है, एंड वो जो शरीर होती है वो पंच महाभूत से बना हुआ होता है। अब क्या है, शरीर का काइंड मतलब टाइप्स ऑफ शरीर, इसमें चार टाइप बताए गए हैं, जरायुज अंडज स्वेदज एंड उद्भिज। जो जरायुज होती है मतलब नरिशमेंट, इसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड किससे मिलती है, प्लासेंटा से। इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं विवीपेरस, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देता है, जैसे कि ह्यूमन काउ। ओके, अंडज मतलब जो जिसको नरिशमेंट मिलती है किससे, एग योक से, दैट इज ओविपेरस, जो मतलब एग देता है ना कि यंग वन देता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा बर्ड फिश स्नेक। अब है स्वेदज को नरिशमेंट किससे मिलती है, स्वेट से। एग्जाम्पल में लाइस, एंड देन उद्भिज बॉर्न आउट ऑफ पर्सिंग अर्थ, मतलब अर्थ को पर्स करके मतलब होल करके वो जो निकलता है जर्मिनेशन जिसे होता है वो उद्भिज शरीर में आता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्लांट एंड इंसेक्ट्स। अब हम लोगों ने देखा क्या, जो हम लोगों ने पहले का जो डेफिनेशन देखा उसमें किसी डेफिनेशन में सिर्फ एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से बताया गया है, तो किसी में फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, किसी में सिर्फ एनाबॉलिज्म बताया गया, किसी में कैटाबॉलिज्म। मतलब हमें पता चला वो जो डेफिनेशन जितने भी पहले मैंने बताया वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो फुल डेफिनेशन नहीं बोल सकते हम लोग। सो उसके लिए जो एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है, जो कम्प्लीट डेफिनेशन हमें कहाँ मिला है, चरक संहिता में, बोथ एनाटॉमी एंड फिजियो पर्सपेक्टिव से, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लीट डेफिनेशन है। तो इसमें क्या है, मैं श्लोक बताती हूँ आपको, तत्र शरीरम नाम चेतना दिष्टानुभूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोगवाही।
ठीक है, मैं अभी टर्म का मीनिंग बताती हूँ आपको। जैसे कि चेतना, चेतना का मतलब होता है लाइफ, ओके। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब प्लेसमेंट, दैट इज वो जो चेतना होती है वो उस शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर क्या है विकार, विकार का मतलब क्या होता है प्रोड्यूस्ड फॉर्म। समुदायात्मक मतलब टू रिमेन कलेक्टेड टुगेदर, वो साथ में रहती है। एंड संयोगवाही मतलब कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना बिटवीन डिफरेंट बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ओके। तो देखेंगे क्या जो शरीर है, अब इसका मैं ओवरऑल डेफिनेशन बता रही हूँ, तो मैंने मीनिंग बताया, मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। क्या जो शरीर है बॉडी वो बनी किससे होती है, पंच महाभूत से, जिसमें लाइफ अबाइड्स मतलब जिसमें लाइफ रहता है। ये सिर्फ साथ ही नहीं रहता, इसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करता है, मतलब मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ, जिससे कि हमारे अंदर एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहे, दैट इज होम्योस्टेसिस, वो मेंटेन रहे, ओके। ये क्या, ये शरीर का डेफिनेशन बताया गया। इस डेफिनेशन को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसमें तीन कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है, पहला चेतना, दूसरा पंच महाभूत और तीसरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी कंस्टिट्यूएंट। तो आज हम लोग सिर्फ चेतना के बारे में पढ़ेंगे एंड पंच महाभूत एंड कोऑर्डिनेशन वाला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं चेतना तत्व एग्जिस्टेंस, मतलब चेतना अधिष्ठान भूतम। जो चेतना होती है वो प्लेस किस पे होती है, अंदर, मतलब पंच महाभूत के अंदर, जो मिलकर शरीर बनाता है। सो पहला जो चेतना तत्व होते हैं वो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ शरीर, मैंने बताया आपको वो क्या है, एसेंस ऑफ लाइफ, सही है। उसके बाद क्या बताया, स्पर्म और ओवम का यूनियन विथ सोल, सोल को हम लोग आत्मा भी बोल सकते हैं या फिर जीवितम, ये मिलके गर्भ बनाता है, ओके। उसके बाद क्या है, ये जो इसका जो एग्जिस्टेंस क्या होता है हम लोग कैसे पहचानेंगे, सो ये एक्सप्रेस कैसे होता है, बाई प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गेन, जिसमें सेंस ऑर्गेन होगी उसको सेन इंद्रिय, ओके। सो इसमें क्या बोला है, वैसा बॉडी जिसके पास इंद्रिय होगी वो लिविंग, डेट इज सेन इंद्रिय बॉडी या फिर चेतना, एंड जिस बॉडी में इंद्रिय नहीं होगी उसको नॉन लिविंग या फिर निर इंद्रिय बॉडी या फिर अचेतना। अब देखेंगे थोड़ा इंद्रिय के बारे में, इंद्रिय क्या, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गेन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कोई भी सेंसेशन होती है हमारे बॉडी में उसको परसीव करना एंड उसको डिफरेंट या और डिफरेंट काइंड फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड बॉडी एंड टू रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली, मतलब वो जो सेंसेशन मिलती है वो खुद के अंदर से मिले या फिर बॉडी के बाहर से मिले, या फिर मतलब या तो इंटरनल इन्वायरमेंट से मिले या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट डेट इज सराउंडिंग से मिले, वो सबको रेसिप्रोकेट करता है उसके अकॉर्डिंग एंड हमें बताता है कि क्या मतलब हम लोग कैसा एक्ट करें। लाइक मैं अब एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई भी गर्म तवा पे अगर हमारा हाथ लगता है देन हमें फील होती है वो गर्म एंड अपन उसको तुरंत हटाते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो इम्पल्स होती है या फिर जो जनरेट होते हैं वो जाते हैं हमारे ब्रेन में एंड फिर वो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो फिर हम लोग अपना स्किन वहां से हटाते हैं उस तवे पर से। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में 10 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं एंड कर्मेंद्रिय भी 5 होते हैं एंड ये दोनों को कनेक्ट करने वाले उभयनेंद्रिय मतलब मन। तो ज्ञानेंद्रिय क्या करता है, वो स्टिमुलाई को लेता है, जैसे कि 5 है क्या, चक्षु, आईज, श्रोत, ईयर्स, घ्राण, नोज, रसन, टंग, त्वग, स्किन। कर्मेंद्रिय भी 5 है, मतलब जो सेंसरी स्टिमुलाई है उसको रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब उसको आंसर देगा वो क्या करने वाले हैं, जैसे कि वाक मतलब स्पीच बोलना, पाद मतलब फिट, पानी मतलब हैंड, पायु, एनस एंड उपस्थ जेनिटल ऑर्गेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी वही गर्म तवा का एग्जांपल लिया था कि जैसे कि गर्म तवा पे आपने हाथ रखा तो क्या स्किन से आपने उसको छुआ देन वो हमारे उसके अंदर इंपल्स जेनरेट हुई एंड वो हमारे ब्रेन पे जाता है एंड फिर वो हुआ ज्ञानेंद्रिय जो लेके गया एंड वो जो वापस लेके आता है मतलब कि हमें क्या करना है वो करता कौन है, हैंड, कर्मेंद्रिय जो हमें उस तवा पर से हैंड को हटाने का आदेश देता है। अब क्या देखेंगे, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन वो एक तरह का आइडेंटिफाइंग मार्क है या फिर चेतना तत्व का एग्जिस्टेंस का वो प्रेजेंस, मतलब वो बताता है कि चेतना तत्व उसके अंदर है, कौन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। अब क्या है, लिविंग बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है, पहला मूवमेंट, वो मूवमेंट करता है लिविंग बॉडी, हमारे अंदर भी मूवमेंट होती है ब्लड वगैरह की या फिर जैसे कि वो शेल्टर के लिए वो मूव करता है, फूड के लिए मूव करता है, रिप्रोडक्शन के लिए मूव करता है और भी बहुत सारे एग्जांपल है मूवमेंट में आप देख सकते हो। रिस्पायरेशन भी वो लिविंग बॉडी करता है, सर्कुलेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों आएगा, देन एक्सक्रेशन करता है,
सेक्रेटरी पार्टिकल्स हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं क्योंकि हमारे वो बॉडी के लिए बहुत पॉइजनस होते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, लास्ट उस लिविंग बॉडी की डेथ हो जाती है क्योंकि जिसके पास लाइफ है, वन हु हैज लाइफ कैन डाई ऑल्सो। ओके, अब क्या है जो चेतना तत्व का जो मेन साइट क्या होता है, हृदय मतलब हार्ट। वो वैसे तो वो पूरे लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है बट उसका मेन साइट होता है क्या, हृदय। लाइक इसके अलावा एक्सेप्ट हेयर, बॉडी हेयर, नेल ग्रोन आउट ऑफ नेल बेड, यूरिन, फीसेस, इटीसी, इन सब में चेतना प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्या है, चेतना तत्व या फिर एब्सोल्यूट सोल का प्रूफ या फिर एग्जिस्टेंस हम लोग कैसे बताएंगे? तो पहला कि मतलब कैसे बोलेंगे उस बॉडी में चेतना तत्व है, तो पहला वो जो बॉडी होनी चाहिए वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करनी चाहिए, मतलब सांस लेना एंड सांस छोड़ना उसमें होनी चाहिए। फिर ट्विंकलिंग ऑफ आई डेट इज ब्लिंकिंग। फिर उसकी माइंड मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों चाहिए। मोबिलिटी मतलब वो कुछ सोच सकता है, मतलब उसकी दिमाग वो कुछ सोच सकता है। स्टेबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। ड्रीम वो लाइक वो कोई ड्रीम देखे कि वो दूसरे कंट्री में पहुंच गया, वो भी एक तरह का एग्जिस्टेंस है चेतना तत्व बताने के लिए। फिर उसे डेथ की फील हो जाती है, देन वो डिजायर कर सकता है हैप्पीनेस, ईगो, हेटेड, मिजरी, इफर्ट, स्टेबिलिटी, मेमोरी, ये सब जो शो करेगा वो ऐसे में बता सकते हैं कि उसके अंदर चेतना तत्व है। फिर क्या इसका एक और प्रूफ है, जो एक शिफ्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन टू अनदर, मतलब वो शिफ्ट कर सकता है। लाइक क्या, शिफ्ट फ्रॉम विजुअल परसेप्शन टू टैक्चुअल परसेप्शन। लाइक इसमें मैंने एग्जांपल बताया आपको, जैसे कि है विजुअल मतलब देखना, जैसे कि हम लोगों ने कोई फ्लावर देखा वो हमें बहुत अच्छा लगा, सो अपन उसको प्लग करेंगे, देन वो परसेप्शन कौन हुआ, टैक्चुअल परसेप्शन। हम लोग एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, फिर देती हूँ मैं। ओके, सपोज कोई सामने से बंदा आ रहा है, आपको उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब मे बी कभी वो कुछ किया हो, देन आपको उसे लपड़ मारना, तो आपने क्या किया, पहले आपने विजुअल परसेप्शन किया, ओके, एंड देन फिर आपने उसको लपड़ मारा, देन वो क्या है, टैक्चुअल परसेप्शन। तो ये एक तरह का चेतना तत्व का एग्जिस्टेंस बताता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, पंचमहाभूत के बारे में एंड उसके कंडीशन के बारे में। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब, आपको आगे आयुर्वेदा के बारे में एंड मॉडर्न के बारे में स्टडी के लिए वीडियो मिलती रहेगी। एंड सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।